पुरुषा स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 यूनिट 11 सच्चा बालक पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इस जीवन में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक समय नहीं बात छे, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक मोटो काफिलो छे ते बगदाद नी तरफ जई रह्यो हतो। रास्ते में उस पर डाकू तूट पड़े। रस्ता में एना ऊपर डाकू छे ते तूटी पड़ी ओ लूटमार करने लगे अने लूटवा लाग्या। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। एक काफिला अलग ए टोळा नी अंदर 9 वर्षनो बालक हतो। वहाँ एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। ते एक बाजू उभो रहीने लूटमारों ने जोई रह्यो हतो। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू की नजर ते छोकरा ऊपर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कटकट कर बोला। छोकरा नी पासे आवीने डाकू कठिनता थी बोलियो, तेरे पास भी कुछ है? तारी पासे पण काई छे? लड़का, मेरे पास 40 रुपया है। छोकरो, मारी पासे 40 सोना मोहर छे। डाकू चकित होकर एटले आश्चर्य थईने, क्या कहा, शू कह्यू? तेरे पास 40 रुपया है? तारी पासे 40 सोना मोहर छे? लड़का, जी हाँ। छोकराए कह्यू के हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू छे ते छोकरानो हाथ पकड़ी ने सरदार ने पाछे लई जाय छे। उसने अपने सरदार से कहा, एने पोताना सरदार ने कह्यू, यह लड़का अपने आप 40 रुपया बताता है। आ छोकरो ते पोतानी पासे 40 सोना मोहर छे तेम बतावे छे। सरदार लड़के से सरदारे लड़का ने कह्यू, 13 रुपया कहाँ है? तारी सोना मोहर क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाटकर उसमें छुपी 10 रुपया निकाली। छोकराए पोतानो जैकेट फाड़ी ने तेमा छुपायेली सोना मोहर छे ते काढ़ी उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा। इन्हें सरदार ने सामे राखता कह्यू, यह देखो, आ जुओ। सरदार आश्चर्य थी अले सरदार छे ते आश्चर्य थी। लड़के, 10 रुपया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, छोकरा ने कहसे कि 10 रुपया आ रीते तारे राखवानू छे ते उपाय छे ते तने कोने बतावियो? लड़का, मेरी माँ ने इसको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। मारा मम्मी छे ते जैकेट नी अंदर 10 रुपया है सीवी दीदी थी तेथी कोई ने खबर न पड़े। सरदार, तो तूने 10 रुपयों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार, तो ते आ सोना मोहनी जान हमने शा माटे करी? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? छोकरा कही, हूँ खोटू केवी रीते बोलूँ? मेरी माँ ने कहा था, मारा मम्मीए कह्यू हतू। बेटा, सदैव सच बोलना। बेटा, हमेशा साचू बोलजे। झूठ बोलना पाप है, खोटू बोलू छे ते पाप छे। सरदार डाकुओं से, सरदार छे ते डाकुओं ने, यह छोटा बच्चा अपनी माँ के इतना कहना मानता है। आ नानो बाड़क छे, पोतानी मातानो एटलू बधु केवू माने छे कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता, कि अभी मुसीबत में पण ते झूठ बोलतो नथी। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। आपे लोको मोटा छे तो पण भगवान ना बतावेला साचा मार्ग पर चालता नथी। वो लूटमार करते रहते हैं अने चोरी करवा के लूटफाट करवा लागिए छे। सब डाकू, बधा डाकू, सरदार बात तो ठीक है, सरदार बात तो साची छे। सरदार डाकुओ से, सरदार छे ते डाकुओं ने कहे छे, इतना लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो, के आ लोगों ना लूटेलो सामान छे तेने तमे पाछो आपी दो। डाकुओं ने सच सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। डाकुए बधो सामान छे ते पाछो आपी दीधो अने भविष्य में क्यारे पण लूटफाट न करवानी प्रतिज्ञा करी। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। साचू बोलवा वालों आ बालक नु नाम छे ते अब्दुल कादिर हतो। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। मोटो थईने आ बालक छे ते महान संत थयो। उनकी समाधि बगदाद में है। एनी समाधि बगदाद नी अंदर छे। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते है। यहाँ दर वर्षे मोटी संख्या में लोग दर्शन माटे आवे छे। चलो बच्चों, यहाँ पाठ हम समाप्त करते है। अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।